गुड मॉर्निंग गाइस, हो गई है नई नई प्यारी सी सुबह की शुरुआत और सुबह का मौसम बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए पानी गरम। हम ऑलमोस्ट रोज़ ही गरम पानी पीते हैं और ये आपके गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो हमें कंज्यूम करते हुए तो काफ़ी समय हो गया है और मुझे लगता है हर किसी को सुबह सुबह ज़रूर पीना चाहिए गुनगुना पानी, मीन्स गुनगुना पानी। और अभी तो मैं लेने गई थी अपने लिए नींबू, और कुछ लोग नींबू के साथ पीते हैं, कुछ सिर्फ हनी के साथ पीते हैं। तो आपको जैसी आपकी कंडीशन हो, जैसा आपको सूट करता हो, वैसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने ग्लास में नींबू डाल रही हूँ और अपने हस्बैंड के नहीं, क्योंकि उनको डॉक्टर ने मना किया है बहुत ज़्यादा नींबू कंज्यूम करने के लिए। अभी रिसेंटली उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी उसके बाद, क्योंकि उनका पेट बहुत एसिडिक हो रहा था। तो यहाँ ग्लास बहुत ही गर्म था, मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही थी और मैंने हाथ हटा लिया, तो अभी भी गर्म ही है ये। तो मैंने फिर इसको प्लेट में रखा और दे आया। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लगता है, सुबह किसे अच्छी नहीं लगती। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना, उसके साथ ही सुबह सुबह की हरियाली, सब कुछ कितना अच्छा लगता है। और बाहर फ्रेशनेस है तो बॉडी में भी फ्रेशनेस आनी चाहिए, और वो आएगी सिर्फ चाय से। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे और खुशहाल होंगे। तो हो गई है एक नई सुबह की शुरुआत और हम जस्ट अभी उठे हैं, मतलब उठे हुए मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, 40 मिनट हो गया होगा। लेकिन मैं वीडियो थोड़ा जब कंटिन्यू तभी करती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ अभी मैं अपने सारे काम अच्छे से कर पा रही हूँ। उठने के साथ ही इतना भी फ्रेश नहीं फील होता है मुझे, तो अभी मैं पानी गर्म करके लाई हूँ और पीऊँगी गर्म पानी, साथ में मैंने चाय चढ़ा दी है। हम लोग पहले गर्म पानी पीते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर अपने नहाने धोने वाले सारे काम करते हैं। उसके बाद पूरे दिन की दिनचर्या वैसे ही सेम रहती है। तो आज का व्लॉग देखिए कैसा जाता है, बने रहिए व्लॉग में। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, और अभी तो शुरुआत है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ मैं अपने सारे काम अब ख़त्म कर चुकी हूँ और आज मैं बना रही हूँ पालक, बैंगन, सोया, मटर, सेम और ये सबको मिला के सब्ज़ी। मुझे इसकी सब्ज़ी खाने का बहुत दिन से मन हो रहा था, और इसकी सब्ज़ी हालांकि पूड़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, और ऐसी चीज़ें घर की भी बहुत याद दिलाती हैं, क्योंकि घर में ये चीज़ें बनती ही रहती हैं। जब मैं बाहर रहती हूँ तो मिक्स करके कम ही बनाती हूँ। ये तो मैंने काफ़ी समय बाद बनाई थी और मुझे पूड़ी के साथ खाने का मन था, लेकिन क्योंकि मेरा पेट नहीं सही रहता है और मुझे मना भी है बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, तो इस वजह से मैंने पूड़ी नहीं बनाई थी। साथ में मैंने बनाई थी चपाती ही, और सब्ज़ी मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगती है, और गांव में तो ये बनती ही है हर, मतलब दावत में या फिर कुछ भी होता है, किसी के यहाँ पे कुछ फंक्शन होता है तो ऐसी सब्ज़ी मिक्स वाली ज़रूर बनती है। साथ में मैं बना रही हूँ सिंपल दाल, इसलिए मैंने इसमें पहले से कट करके टमाटर डाल दिए हैं। आज मैं दाल को फ्राई नहीं करूँगी। तो यहाँ पे तैयार हो गई है मेरी सब्ज़ी भी, और इसकी सब्ज़ी सूखी सूखी सी या फिर बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं अच्छी लगती, ऐसे ही फंसी फंसी सी अच्छी लगती है। तो ये बन गई थी ऑलमोस्ट, इसको पूरियों के साथ खाइए, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है कॉम्बो पूरी और सब्ज़ी का, बैंगन में सोया मेथी का मिक्स सब्ज़ी। और यहाँ पर खाना मैंने सर्व भी कर दिया है, सिंपल घर का खाना, इससे टेस्टी क्या होगा। दोपहर के समय फिर हम चले गए थे पास के ही ग्रॉसरी स्टोर में, वहाँ से हमें थोड़ा घर की नीड्स का, जो बेसिक नीड्स जो हमारी ख़त्म हो गई थी वो लेने के लिए। तो केचप तो लेना बहुत ज़रूरी है, मेरे हस्बैंड को केचप बहुत अच्छा लगता है,
और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम सब कुछ सामान बैग में भर रहे हैं, छोटा सा बैग लेके आए थे। और घर आने के बाद उन्होंने ही चाय बनाई हम दोनों के लिए। मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारा वीडियो भी निकाल देती हूँ, अदरवाइज़ लगेगा तुम कुछ काम नहीं करते, बस मैं ही सारा काम करती रहती हूँ। तो चाय वो बना देते हैं, और कभी सुबह बना देते हैं, कभी शाम को बना देते हैं। और यहाँ पे ये कप भी टूट गया था, और एक मेरा कप अभी कल भी टूटा है, और आज भी ये कप टूट गया। और अब हम जा रहे हैं टहलने के लिए शाम के समय, और मेरे हस्बैंड रनिंग करेंगे एज़ यूजुअल, और मैं टहलूँगी। तो अभी 6:30 या 7:45 का समय हो रहा होगा, 6:30 का समय हो रहा है, क्योंकि दिन ऑलमोस्ट 6:45 तक डूबता है। तो अभी थोड़ी देर में ही दिन डूब जाएगा, बट अभी काफ़ी धूप सी लग रही है, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा था। और अब हम वापस आ रहे हैं घर टहल के, और अच्छा लगता है थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल के पूरा दिन में, क्योंकि पूरा दिन इतनी व्यस्तता होती है, अपने लिए थोड़ा समय निकालना बहुत ज़रूरी है। घर आके मैंने यहाँ पे बनाया है खाना, और खाने में मैंने बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, और बस साथ में चपातियाँ लगा रही हूँ। एक आधे मैंने पराठे भी बनाए थे इनके लिए, बट मैं चपाती ही खाती हूँ, रोटियाँ ही खाती हूँ, मैं पराठा नहीं खाती हूँ। अवॉइड करती हूँ घी तेल ज़्यादा से ज़्यादा। और सारे काम अब हो गए हैं घर के, किचन भी साफ़ हो गया है, और इधर मैंने साइड में बर्तन भी धुल दिए हैं। और रात में ही सारा काम करके सो तो सुबह आपको बहुत अच्छा लगता है, बस उठो और अपने कामों में लग जाओ, अदरवाइज़ बर्तन देख के ही गुस्सा लगती है सुबह सुबह। तो हो गए हैं सारे काम। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना फॉर मोर सच वीडियोस। और आज का दिन तो ऐसा ही बीता, आपने देखा होगा व्लॉग में, और यूजुअली हमारा दिन ऐसा ही जाता है। और अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, और मैं आशा करती हूँ आपका दिन भी अच्छे से जा रहा हो, आप भी अपने घर में खुशहाल हो। कुछ चीज़ें शॉर्ट अगर वीडियो हो जाता है तो वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि अभी हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो मैं अभी नहीं शेयर कर सकती हूँ आपसे, आपको हम अपकमिंग व्लॉग्स में बताएंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक